तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए रीजनिंग पे आधारित क्वेश्चन है, बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। कथन और निष्कर्ष यानी इंस्ट्रक्शन और कंक्लूजन। कहता है कथन में कहता है सभी संतरे पपीते हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज सभी जब होती है जब दूसरी चीज उससे बड़ी हो। कोई भी चीज सभी हो ही नहीं सकती जब तक दूसरी चीज उससे बड़ी ना हो। तो सभी संतरे पपीते हैं। तो ये देखिए सभी संतरे पपीते हैं। तो देखिए पपीता बाहर से आएगा, पपीता। सभी संतरे पपीते हैं। कहते हैं कुछ पपीते हरे हैं। अब कहते हैं कुछ पपीते हरे हैं। यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है सभी स्टूडेंट्स के मन में अलग अलग कि कुछ पपीते हरे हैं। तो एक स्टूडेंट डायग्राम ऐसे बनाएगा। देखिए कुछ पपीते हरे हैं, इसका मतलब पपीते को कहा है। तो कुछ पपीते हरे हैं तो हम इसमें हरा डाल देते। लेकिन दूसरे बच्चे के मन में आता है कि यहां संतरे का तो नाम ही नहीं किया, तो इसलिए हम यहां पर हरा ऐसे भी तो डाल सकते हैं, ये भी तो हरा हो सकता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर हम अकेला ये डायग्राम इसमें बनाएंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। हमें दोनों तरह से डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि यहां पपीते की बात की गई है, संतरे की बात नहीं की गई। ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। अब हम इस पर अध्ययन करेंगे। देखिए पहला निष्कर्ष है कुछ पपीते संतरे हैं। अब देखिए कहता है कुछ पपीते, ये देखिए सभी पपीतों में से, सारे पपीते कहां है, सभी पपीतों में से कुछ पपीते संतरे हैं। तो यस कुछ पपीते संतरे हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। दूसरा कहता है कुछ पपीते हरे हैं। अब कहता है कुछ पपीते, ये देखिए कुछ पपीते हरे हैं, यहां इसमें कहता है हां है हरे हैं कुछ पपीते, लेकिन यहां कहता है कुछ पपीते हरे हैं, तो यहां भी वही बात कह रहा है। कहता है कुछ पपीते हरे हैं। अगर ऐसे डायग्राम बनाने के बाद अगर दोनों बात सत्य है, दोनों में बात सत्य है, तो वो भी सत्य है। अब कहता है कुछ पपीते हरे हैं, अब देखिए कुछ पपीते यहां भी हरे हैं और यहां कहता है कुछ पपीते यहां भी हरे हैं, इसका मतलब ये बात भी बिल्कुल सत्य है, ये गलत नहीं हो सकती ऐसी बात। अब देखिए कोई भी संतरा हरा नहीं है। अब कहता है कोई भी संतरा हरा नहीं है, यहां बात फंस जाती है। अब अगर हम देखें तो इसके हिसाब से तो संतरा हरा नहीं है और इसके हिसाब से संतरा हरा है, यानी एक बार कुछ और दूसरी बार कुछ, जब दोनों में बात अलग अलग निकले तो वो बात हमेशा गलत होती है। तो यहां पर ये निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। नीचे आंसर दिए होते हैं उसमें देख कर निशान लगा सकते हैं कि कथन एक और दो सत्य और कथन तीन सत्य नहीं है, या केवल कथन एक और दो सत्य है, ऐसा नीचे आपको मेंशन मिलेगा। आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं स्टूडेंट्स।